वेलकम टू द चैनल गाइस। गाइस जैसे जैसे लोग फिटनेस के बारे में ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, अपनी कैलोरीज काउंट करना शुरू कर रहे हैं और इस हिसाब से अपना डाइट प्लान बना रहे हैं जो उनके फिटनेस गोल्स को सपोर्ट करे, वैसे हम हेल्दियर फूड चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं। इनमें से एक हेल्दियर फूड चॉइस जो है और जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है वो है आमंड मिल्क। गाइस आमंड मिल्क लोग बहुत सारे स्मूदीज में डालना पसंद करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। आज हम देखेंगे कि आमंड मिल्क बेसिकली घर पे कैसे खुद बना सकते हैं। गाइस जो कमर्शियल आमंड मिल्क है उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो महंगा बहुत है। मतलब आप देखिए, एक लीटर आपका आमंड मिल्क जो ऑलमोस्ट 350-400 रुपए के आसपास पड़ता है, तो विच इज लाइक रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। तो आज हम बात करते हैं कि आप अपने घर पे आप खुद कैसे बनाएंगे और आपको चाहिए क्या क्या उसके लिए। गाइस देखिए, जैसे आपको सिर्फ चाहिए बादाम, कुछ आमंड्स, और ये है कि आप रात को इनको पानी में भिगो दीजिए। मेरे पास कोई आई गेस 15 बादाम है यहाँ पर जो मैंने कल रात को पानी में भिगोए थे और उनका छिलका निकाल के रख दिया। और साथ में क्या चाहिए, और साथ में गाइस थोड़ा पानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं और एक ब्लेंडर आपके पास है तो ये गुड टू गो। अब बताऊंगा आपको ये दो चीजें आप कैसे मिक्स करें ताकि आराम से अपना आमंड मिल्क बना सके और एंजॉय कर सके। तो गाइस जैसे बात की थी, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स इसके लिए पानी, आमंड्स, इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, मिक्स किया, ओप्स सॉरी। उसके बाद लिड क्लोज की और तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, कलर बहुत बढ़िया है। अब इसका हम टेस्ट टेस्ट करते हैं, देखते हैं पीने में कैसा, स्वाद तो ठीक होना चाहिए। गाइस टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल आमंड्स लग रहा है। अब ये आपको क्यों करना चाहिए, उसके फायदे क्या है। गाइस सबसे पहली बात कि प्योर आमंड मिल्क, मतलब मैनुफैक्चरर्स हमें कुछ भी बना के बेच देते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन आपने खुद बनाया, देखिए कितना सिंपल है बनाना। इसका टेस्ट भी अच्छा है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई एमल्सीफायर्स, कुछ भी चीज़ नहीं, और आप 100% श्योर हैं कि आप जो जो चीज़ पी रहे हैं एकदम हेल्दी है। राइट, गिव दिस अ ट्राई और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे अगली बारी, हो सकता है किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।